बिहार के छपरा में आज प्रश्न पत्र लीक हुआ है। जी हाँ, पेपर लीक हो गया। परीक्षा शुरू होने से पहले ही पेपर व्हाट्सएप पर आ गया और इस मामले में कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं। प्रशासन पूरे मामले की जांच कर रहा है। इससे पहले कल से शुरू हुए मैट्रिक परीक्षा में नकल रोकने के लिए बिहार सरकार ने छात्रों के जूते मोजे तक उतरवा दिए थे। कल रिपोर्ट हमने आपको दिखाई थी। छात्रों के जूते खुलवाए, मोजे तक उतारने का फरमान और उसके बाद नकल रोकने के लिए हर मुमकिन जांच। लेकिन भूगोल, अर्थशास्त्र और आपदा प्रबंधन का पत्र व्हाट्सएप पर। आज बिहार में मैट्रिक परीक्षा का दूसरा दिन है और दूसरे दिन प्रश्न पत्र लीक होने की ये तस्वीर सामने आई छपरा से। इसके जांच के लिए हम लोग जो सदर के डीएसपी हैं सीओ, उनको लगाए थे और वो पिकेट कर रहे हैं। और इसमें प्रथम दृष्टया पाया गया है कि इस जिले से जो है जो भी चीज प्रकाशित हुआ है वही जिले से नहीं है। व्हाट्सएप में कुछ बातें आई है, उसका जांच हो रहा है, कुछ आदमी का अरेस्टिंग भी हुआ है। खास बात है कि परीक्षा केंद्रों में मोबाइल ले जाने पर सख्त मनाही, लेकिन तमाम चौकसी के बावजूद सामाजिक विज्ञान का पत्र और उसका उत्तर व्हाट्सएप पर वायरल हुआ। कल पहले दिन भी कई केंद्रों पर प्रश्न पत्र लीक होने की खबर आई थी। अभिभावकों की माने तो नकल माफिया से निपटने में प्रशासन विफल रहा है। या प्रशासनिक चूक दिखाई दे रही है, इसमें सुधार होना चाहिए। यह शिक्षा माफिया का कारनामा है। गौरतलब है कि पिछले साल बिहार के कई परीक्षा केंद्रों से ऐसी हाहाकारी तस्वीर सामने आई थी जिसमें अभिभावक और दूसरे छात्र जान जोखिम में डालकर नकल करा रहे थे। बिहार को बदनाम करने वाली ऐसी तस्वीरों के सामने आने के बाद बिहार सरकार ने इस बार जूता मोजा पर पाबंदी लगा दी। लेकिन आज जिस तरह से प्रश्न पत्र लीक हुए हैं उससे नकल रोकने की पूरी कवायद पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। तू डाल डाल मैं पात पात, इसी कहावत के तहत बिहार में कई जगह पर प्रश्न पत्र लीक किए जा रहे हैं। नकल पर तो नकेल कस दिया गया है, लेकिन प्रश्न पत्र वायरल कराने वाले माफिया गिरोह अब भी खुले में हैं। जरूरत है उन पर नकेल कसने की। हमारे सहयोगी विशाल और आशुतोष के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज पटना। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।